भजन संहिता अध्याय 58। भजन संहिता अध्याय 58। हे मनुष्य, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? और हे मनुष्यवंशियों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देशभर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है। वे उस नाक के समान है जो सुनना नहीं चाहता। और सपेरा कैसी ही निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चढ़ाए तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाए। वे घोंगे के समान हो जाए जो घूलकर नाश हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। उससे पहले कि तुम्हारी हड्डियों में कांटों की आंच लगे, वह हरे और जले दोनों को पवंडर से उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा। वह अपने पाव दुष्टों के लोहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल तो है, निश्चय परमेश्वर तो है जो पृथ्वी पर न्याय करता है।